हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आया हूँ वीवो का Y83 मॉडल, जो कि फुल शॉटिंग पे है। उससे पहले मैं आपको एक मल्टीमीटर के बारे में भी बताना चाहूँगा, जो कि मेरे को बहुत प्यारा लगा है। एम टूल की तरफ से है ये मल्टीमीटर। इसमें आपको डायोड मोड, साथ में रेजिस्टेंस मोड और डीसी मोड, तीनों चीज़ें मिल जाएगी। और आपको डीसी रीडिंग में एनालॉग देखना है तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो इसी साथ में टेस्टिंग भी करने वाला हूँ मोबाइल की, चेक भी करने वाला हूँ। और अगर आपको इसी को, मल्टीमीटर को, अगर पीसी पे भी कनेक्ट करना है तो पीसी पे भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है ये, जिससे आपको सुविधा मिलेगी आपका प्रोजेक्ट बनाने में। आपको किसी को डायोड रीडिंग या रजिस्टर रीडिंग आपको दिखाना हो तो उसके लिए बहुत आसानी रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। इस फोन में फुल शॉटिंग है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ डायोड मोड पे। बैटरी कनेक्टर पे आप देख सकते हैं फुल शॉटिंग है, और ये मल्टीमीटर बहुत फास्ट है, विदिन सेकंड बताता है। ये देखिए, और एक चीज और इसकी खासियत है कि आपको रीडिंग के हिसाब से इसमें टोन मिलती है सुनने को। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इस पे अलग टोन मिली आपको, यहाँ चेक करता हूँ तो अलग, तो वही टोन, ये फुल शॉटिंग की टोन, तो ये अलग है। 1000 के ऊपर की रेटिंग है, इसकी अलग टोन। यानी इसको आप टोन के हिसाब से इस मल्टीमीटर को सेट भी कर सकते हैं। तो आपको बार बार जो रीडिंग देखने की दिक्कत होती थी कि कितनी रीडिंग है, क्या है, वो आप टोन के हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें इतनी रीडिंग है। इस मल्टीमीटर का मेरे को ये फीचर बहुत अच्छा लगा। तो इसको साइड में रखता हूँ थोड़ा सा। मोबाइल ओपन करता हूँ, और जो भाई ये मल्टीमीटर लेना चाहे, वो मेरा एक पहले का वीडियो है अनबॉक्सिंग का, उसमें आपको अली भाई का कांटेक्ट नंबर मिलेगा। आप उनसे कांटेक्ट करके ये मल्टीमीटर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन फिर बोर्ड को ओपन करते हैं। इसमें शॉटिंग है, आपने देख चुके हैं पहले, तो ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इस बोर्ड में फुल शॉटिंग है, थोड़ा सा सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो चुका है मेरे को। ये देख सकते हैं फुल शॉटिंग है। मल्टीमीटर बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि हमारे को MD अली सर ने पूछा है, आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। आपको इसका बिट मैप में देखना पड़ेगा कि इसकी लाइन कहाँ कहाँ जाएगी। शील्ड ओपन करते हैं और हम चेक करेंगे फिर थर्मल कैमरे में। अगर आपको हैंड स्किल अच्छा है तो ही आप इससे शील्ड ओपन कर लिया, नहीं तो सॉरी SMD से यूज किया करें शील्ड ओपन करने के लिए, ताकि आपकी ट्रिगर डैमेज नहीं हो।
इसका सेट ओपन कर लिया, सेट ओपन करने के बाद पहले आई स्कैन कर लीजिएगा ताकि आपको दिख जाए कि कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है इसके अंदर, ऐसा दिक्कत पता चल जाता है कि कंपोनेंट जला है या नहीं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने थर्मल कैमरे की स्क्रीन पे, फिर इधर उसको हमने लगाया दोस्तों। फिर डीसी मशीन वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि डीसी मशीन कितने वोल्टेज दे सकते हैं आप, हम इसको थर्मल पे चेक करेंगे शॉर्टिंग कहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। इसका बैटरी डिस्चार्ज होगा इससे, मैं डीसी मशीन का यूज करूंगा। देख सकते हैं ऑन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।